भैया लाइक तो लेना। टोटल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 यहाँ इलाजरत हैं, एक को मामूली चोट थी, वो चले गए। सर, इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था, क्या लगता है सर लापरवाही कहीं से बढ़ती है? अभी तक जो सूचना मिली है वो ये है कि जो ये मकान में जहाँ ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे 3 परिवार रहते थे, इसमें से तीनों परिवार एकदम अगल बगल के घर में ही रहते थे और तीनों परिवार पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है वो महिला की डेड बॉडी अभी मिली है, उसको निकाला जा रहा है और वहाँ से देखने से जो लग रहा है कि काफ़ी पटाखा बनाने का सामान बरामद हुआ है, तो अभी तक लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये घटना पटाखा बनाने के दौरान कोई दुर्घटना होने से, ब्लास्ट होने से घटना हुई है। इसकी भी जांच की जा रही है कि इसकी सूचना थाना को थी नहीं थी, थाना ने क्या कार्रवाई की थी, इसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पहले जो घटना हुई थी सर वहाँ पर, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही है, तो क्या उसकी भी जाँच की जाएगी? पहले 2005 में भी वहीं पर की ये घटना हुई थी। 2005 में तो भी बहुत टाइम हो गया, उस टाइम पे निश्चित रूप से कार्रवाई हुई।